नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं उषा का स्विफ्ट मॉडल सीलिंग फैन। इसकी वाइंडिंग जा चुकी है, ये गारंटी पीरियड में हमारे पास शॉप को आया है फिटिंग करने के लिए। इसका स्टार्टर जा चुका है, हमने पूरा वाइंडिंग चेक कर लिया है, इसका वाइंडिंग अंदर जल जा चुका है। इसके लिए हमें ये कंपनी से हमारे को नया स्टार्टर आ गया है। इसको हमें किस तरीके से फिट करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए, हमारे स्टार्टर किस तरीके से बैठे के बाद किस क्या क्या देखना होगा, क्या फैन स्पीड होगा, क्या स्लो होगा, वो सभी चेक कैसा है चेक करें, इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आए तो लाइक करो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये वायरा पूरे इधर कनेक्शन के बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद इसका कैपेसिटर क्लैंप का भी बाहर निकालो। फ्रेंड्स, निकालने के बाद इसका शाफ्ट कटा हुआ है, हमें इजीली इसको बाहर इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। थोड़े शाफ्ट कटा नहीं कट नहीं आते हैं, इस तरीके से फुल आते हैं। अब इसको हमें निकालने के लिए आप कंपनी फैनों को इधर मार्क गिर कुछ भी नहीं डालने की काम नहीं ज़रूरत नहीं है। आप लोकल फ़ैन खोल रहे हैं तो आप मार्क डालना ज़रूरी रहता है, क्यों बोले तो फिट करने के लिए आपको ईजी होएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिया है। फ्रेंड्स देखिए, खोल लिए के बाद हमें इस तरीके से दिखला रहे हैं आपको। ये देखो, बिल्कुल वाइंडिंग बिल्कुल अच्छी सी दिख रही है आपको। मैं दिखलाता हूँ ये किधर जल चुकी है। देखिए, ये इसके अंदर शॉर्ट होके जल गई है। इसको हमें जंपिंग करके रेडी कर सकती हैं, क्यों जंपिंग नहीं कर रहे तो ये गारंटी पीरियड में ख़राब हुआ है। इसके लिए हमें ये इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने हैं, ये हमें साइड में रख कंपनी को वापस भेज के ये नया हमें उषा का स्टार्टर बिठाने रही। फ्रेंड्स, ये बिठाने के पहले हमें चेक करना होगा हमारा स्टार्टर का साइज़। देखिए, इस तरीके से ये दोनों साइज सेम होना चाहिए और हमारा शाफ्ट का साइज़ सेम होना चाहिए। आप सेम है तो बिठा डालो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपका स्टार्टर थोड़ा मोटा है, थोड़ा पतला है, शाफ्ट थोड़ा लंबा है, कम है बोले तो वो आपको फ़ैन को प्रॉब्लम करता है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले हमें फ़िट करने के लिए इसको वाचर आते हैं कंपनी फ़ैनों को, वो वाचर डालना होगा। ये शाफ्ट लेना होगा हमें, लेके हमें इस शाफ्ट में डालना होगा इस तरीके से। डालने के बाद और हमें इसको इस तरीके से रखना होगा। फ्रेंड्स, स्टार्टर आपका पुराना सेम साइज़ का मिला तो आप कुछ भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैसा खोलेते हैं वैसा फिट कर डालो। आपका रोटर थोड़ा मोटा या पतला है तो आप इसको इधर रख के इधर रिंग को चेक करना होगा, प्रॉपरली बैठा है या नहीं बोल के। ठीक है दोस्तों, आप देखो नेक्स्ट है हमारा इसका नीचे की स्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग डालना ज़रूरी है हमारे लोकल फैनों को, हमें कच्चा मार के डालते हैं। कंपनी फैनों को कच्चा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी वाला ने करेक्ट बेयरिंग सेटिंग को बनाया रहता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये होने के बाद हमारे इस बॉडी को बिठाना होगा। फ्रेंड्स, बिठाई के बाद एक बार इसे घुमा के देखो, ये देखो बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है। अब इसके तीनों स्क्रू टाइट कर लो और एक देखो, ये कंपनी फैनों में इस तरीके का प्ले रहता है। देखिए, इधर दबाता हूँ, शाफ्ट अंदर जाता है रोटर उसका। देखिए, रोटर अंदर जाता है, ये क्या भी प्रॉब्लम नहीं होएगा कंपनी फैनों में। हमारे लोकल फैनों को इस तरीके से दबाए तो हमारा स्टार्टर अंदर जा रहा है तो वो हमें कच्चा मार के डालना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसकी इसको पूरे फिट कर लो। फिट करके आपको मैं कैपेसिटर कनेक्शन करके भी बतलाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसके शॉप में से हमें तीनों वगैरह बाहर ले लिया है। ले के बाद हमारे को कैपेसिटर क्लैंप को बिठाना होगा। फ्रेंड्स, बैठे के बाद हमारा अब ये कनेक्शन है, मैं आपको ये कनेक्शन करके बतलाता हूँ। फ्रेंड्स, इसको हमें इसमें ब्लैक वायर कॉमन रहती है, रेड रनिंग रहती है, येलो स्टार्टिंग रहती है। हमें आपको आप इसको कलर वाइज कैपेसिटर को भी कलर वाइज आ गया है, हमें कलर वाइज इसको कनेक्शन दे दो। फ्रेंड्स, दिए के बाद हमारा फैन इसको अब कनेक्शन दे डाले तो ये रेडी हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन हमें किधर किधर देना चाहिए बतलाता हूँ। ये येलो कनेक्शन आके हमें सेंटर में दो और ब्लैक वायर आके ब्लैक और कैपेसिटर ब्लैक वायर इधर दो और हमारी कॉमन वायर सिंगल ब्लैक रेड वायर ये ऊपर दो। मैं अब ऊपर दे के आपको चेक करके बतलाता हूँ।
फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने पूरा कनेक्शन कर लिया है। अब इसको हमें सीरियस लेके चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमारा फैन घूम जाएगा। फ्रेंड्स फैन हमारा राइट साइड में घूमना चाहिए। देखिए हमारे इस राइट साइड में घूमना चाहिए, लेफ्ट साइड घूम रहा है। तो ये देखो, हमें इधर कैपेसिटर का और हमारा स्टार्टिंग वायर, स्टार्टिंग का वायर है ना, ये हमारा बीच में गया रहता है। इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, डाले तो हमारा फैन इस तरह में घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी कंप्लेंट चाहे तो उसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करो, मैं उसकी भी वीडियो बना के डालूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।